लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तमाम सबूत और गवाह के बयान को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुलजिम कर्नल सिंह पर जो इल्जाम लगाया गया है वो सही है, लिहाजा यह अदालत इसे मुजरिम करार देते हुए ताजीरात हिंद जेर दफा 302 की तहत सजाए मौत का हुक्म देती है। टू बी हैंग टिल डेथ। वकील साहब, आपने हमारे बेटे के हत्यारे कर्नल सिंह को फांसी की सजा दिलवाकर हम पर बड़ा एहसान किया है। हमने तो आपकी फीस भी नहीं दी। माँ जी, मुझे फीस की कोई जरूरत नहीं है। मुझे तो खुशी सिर्फ इस बात की है कि मैंने आप लोगों को इंसाफ दिलवाया। वाकई आप दानवीर हैं। अच्छा, नमस्ते। डैडी, आपको सब दानवीर क्यों कहते हैं? बेटे, दानवीर तब कहलाता है आदमी जब वो अपनी भूख प्यास भुलाकर अपनी खुशियाँ, अपना सब कुछ दूसरों को दान कर देता है। तो फिर मैं भी दानवीर हूँ। वो कैसे? क्योंकि मैं भी अपने भाई बहन को चॉकलेट देता हूँ। बेटे, आज हम तुम्हारी वजह से ये केस जीते हैं, इसलिए हम तुम्हें अपना ये लॉकेट तोहफे में देते हैं। ये लो। थैंक यू डैडी। पिताजी, बेटा, कल मुझे फांसी हो जाएगी उसका गम नहीं है मुझे, लेकिन अगर तूने उस वकील श्रीवास्तव को और उसके सारे खानदान को मौत के घाट नहीं उतारा तो मेरी आत्मा फटकती रहेगी। तुझे कसम है मेरी, उस सारे खानदान को मिटा देना। मुझे कसम है पिताजी, मैं उसके खानदान को तबाह बर्बाद कर दूंगा। शाबाश शाबाश, राम सादा मेरे मारने से पहले ही मर गया। सर, उसके बच्चे अभी जिंदा हैं। नहीं, बच्चों को मैं मौत नहीं, मौत से भी बदतर जिंदगी दूंगा। तुम्हारे पिता दान किया करते थे, पैसे बांटा करते थे, नतीजा क्या निकला? कर्जा इतना बढ़ गया कि ये घर उन्हें बेचना पड़ा। अब मैंने ये घर खरीद लिया है, अब तुम कोई और रास्ता ढूंढो। ये लो तुम्हारे खर्चे के लिए। मुझे भीख नहीं चाहिए, अगर आज मैंने हाथ फैला दिए तो जिंदगी भर हाथ फैलाता रहूंगा। मुझे भिखारी नहीं बनना, मुझे अपने पिता की तरह बनना है। चलो मुन्नी। सर, ये काम तो मैंने कर दिया, उसके बच्चों को घर से बेघर कर दिया, अब मेरे लिए क्या हुक्म है सर? अभी कुछ नहीं करना है, सिर्फ दूर से बैठकर उनकी बर्बादी का तमाशा देखना है। डॉक्टर साहब, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। वही तो कह रहा हूँ कि बच्चा बच जाएगा, इसका फौरन ऑपरेशन करना पड़ेगा, 2000 रुपया खर्चा आएगा। 2000 रुपये कहाँ से लाऊंगी मैं, गरीब औरत। तो बच्चा मर जाएगा। कैसे भी बचा लो साहब। नहीं नहीं, पैसे के बिना कुछ नहीं हो सकता। कहाँ से लाऊंगी साहब मैं, गरीब औरत। तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। लो, बच्चे की जिंदगी चाहिए या नहीं? डॉक्टर साहब, अगर आपको एतराज ना हो तो ये लीजिए, बच्चे को बचा लीजिए। बेटा, तू सचमुच दानवीर हो। रामनाथ जी, विजय भैया आए थे? जी, वो अभी आए थे, भगवान के दर्शन करके चले गए। सलाम चाचा। सलाम बेटा, सलाम। जीती रहो। चाचा, भैया कहाँ है? वो आरके अस्पताल गया है एक औरत को लेकर, उसको बच्चा होने वाला था। क्यों, क्या हुआ बेटा? भैया ने अभी तक खाना भी नहीं खाया। बेटा, तुम आरके अस्पताल चली जाओ, तुम्हारा भैया तुम्हें वहीं मिल जाएगा। सलाम।
क्या समझती थी तेरे मायके चले जाने से मुझे पता नहीं चलेगा, और तू चुपचाप अपने यार की इस नाजायज औलाद को जन्म दे देगी। ये किसी और का बच्चा नहीं है, आपका बच्चा है, हमारा बच्चा। जलील, तू जैसे शक के इंसानों ने ही औरतों की जिंदगी जहर बना दी है। ए, तू कौन होता है हमारे जाती मामले में दखल देने वाला? फिकर मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा, जाइए ले जाइए। विजय बेटा, दूसरों के लिए अपनी जान पे खेलना छोड़ दो बेटा, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो। अपने लिए जीना सीखो बेटा, और जीने के लिए खाना जरूरी है। सुधा की बच्ची तूने? क्यों भैया, माँ होती तो ऐसे ही कहती ना। हाँ ये बात तो सही है, तो माँ की बात मानो और चलो मेरे साथ। हाँ। घर क्यों? चलो ना भैया, नहीं तो मेरा तब जतन से बनाया खाना ठंडा हो जाएगा। चलो मेरी माँ। चलो। अरे बहना, आज तूने धंधे का कबाड़ा कर दिया। देखो भैया, जैसे पैसे कमाने का एक वक्त होता है, वैसे खाने का भी एक वक्त होता है। चुपचाप खाइए। तूने खाया? हाय भैया। आ विशाला। आइए आइए नंबर टू। नंबर टू मतलब? बिग ब्रदर नंबर वन, स्मॉल ब्रदर नंबर टू, लिटिल सिस्टर नंबर थ्री। अच्छा ठीक है खाना दे भैया। वो ट्रेनिंग के पैसे? अरे उसकी फिक्र मत कर, उसका इंतजाम मैंने पहले ही कर रखा है। ये ले। थैंक यू। यस। ए, ऐसे घूर के क्यों देख रही है मुझे? घर संसार, उपकार, खुददार और इन सब के इंटरवल में गद्दार देख रही हूँ। क्या मतलब? मतलब ये कि इन सब फिल्मों में बड़ा भाई अपने आप को मिटाकर छोटे भाई को पढ़ा लिखा कर पाल पोस कर एक काबिल इंसान बनाता है, और इंटरवल में छोटा भाई बड़े भाई को ठेंगा दिखा कर निकल जाता है। कहीं आप भी तो ऐसा नहीं करोगे भैया? ए मुन्नी, तू अपने होश की दवा करा, ये मेरे भैया नहीं मेरे माँ बाप और भगवान भी है। जरा मुझे आईएएस का एग्जाम तो पास करने दो, फिर देखो मैं भैया के लिए क्या क्या करता हूँ। वक्त से पहले दावे ना करो छोटे भैया, वक्त दावे को पलट के वादे के काबिल भी नहीं रहने देते। भैया देखो अब तो बहुत हो गया। ए, देखो भाई इसकी इतनी टंगे मत खींचा करो, बेचारा गिर जाएगा। भैया आप जानते नहीं हो, जब तक इसकी शादी नहीं होगी इसका दूल्हा नहीं आएगा, ये इसी तरह बकवास करती रहेगी, मेरे सर खाती रहेगी। भैया इसकी शादी करो, इसको ससुराल भेजो और इससे मेरी जान छुड़वाओ। आपने सुधा के रिश्ते की बात करवाई थी, वो लोग लड़की देखने के लिए आ रहे हैं। जी क्या है मित्र जी? अच्छा आपको भी पता लग गया मेरी शादी होने वाली है। अच्छा ये बताइए, आप ये सब मेरे बारे में कैसे जान लेते हैं? ऐसी कौन सी शक्ति है आपके पास? चल झूठे कहीं के, मुझे तो लगता है पिछले जन्म में तो जरूर मेरा भाई रहा होगा, जिस रिश्ते को इस जन्म में भी निभा रहा है ना? चाचा आओ, विजय बेटा आओ, आपकी कृपा है पूरे 250 रुपए। विजय बेटा, दिन रात खून पसीना एक करके मेहनत से पैसा कमाते हो और शाम को आकर मेरे पास जमा कर देते हो, पर आज तो मैं पूछकर ही रहूंगा ये सब क्यों, किसके लिए? अरे चाचा मुन्नी की शादी नहीं करनी है, तुम्हारे पास जो पैसे जमा है ना उन्हीं से तो मुन्नी की शादी करूंगा। शाबाश बेटा शाबाश, जानते हो थोड़ा थोड़ा करके 1,09,000 रुपया जमा हो गया है। मैं तो खुदा से दुआ करता हूं कि हर घर में ऐसा बेटा पैदा हो, अपने आप को तालीम से महरूम रखकर खुद अनपढ़ रहा लेकिन भाई की पढ़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ी, और अब अपना पेट काटकर बहन की शादी की तैयारी कर रहा है। बेटा एक बात मेरी भी मान ले, अपना भी ख्याल रखा कर बेटा। चाचा सब ठीक हो जाएगा, मेरी चिंता मत कर। या अल्लाह तू ही निगेबान है इसका। Ha ha ha!
मैडम आपने क्या बढ़िया शॉट दिया, गुड। थैंक यू। इस एड फिल्म को देखकर औरतें यही चाकू खरीदेंगी। थैंक यू। सब एक 100 रुपए देंगे? नहीं है। भाई साहब जी एक 50 रुपया देंगे? हमारे पास पैसे नहीं है। पापा ये क्या कर रहे हैं आप? अरे अगर तू नहीं देगी तो दूसरों से ही मांगना पड़ेगा ना। मैं पैसे दूं ताकि आप शराब पी जाएं? अरे शराब पी रहा हूँ, कुछ चोरी थोड़ी कर रहा हूँ मैं। आपको आपको शर्म नहीं आती? नहीं आती, तेरे को आती है तो पैसे दे 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 ना। लानत है। मेरी प्यारी बेटी, भगवान सबको ऐसी बेटी दे। अरे कोई ऑटो और टैक्सी भी नहीं है। ए मिसेस ब्यूटीफुल, भगवान ने यह जिस्म सिर्फ सजने संवारने के लिए नहीं दिया है। बच्चा पैदा किया है तो उसकी हिफाजत करना भी सीखो। एक माँ तो बच्चे को सीने से लगा कर रखती है और तुम? देखिए मेरी कुछ देखना भगना नहीं है, मैं सब कुछ देख चुका हूँ और तुम तो ए टू जेड तक भोग चुकी हो। और ये बेचारा, अरे इसने तो अभी तक अपने पैरों पर ठीक से चलना भी नहीं सिखाए और तुमने इसे मरने के लिए सड़क पर छोड़ दिया। देखिए मेरी बात तो सुनिए। बात बात नहीं सुननी, अब तुम मेरी बात सुनो। अरे पहाड़ भी धरती पर बोझ नहीं लगता, पेड़ों को फल बोझ नहीं लगता और एक माँ को अपनी औलाद का भी बोझ लग नहीं सकती और लगनी भी नहीं चाहिए। बाबूजी, बाबूजी, आपने सही वक्त पर आकर मेरे बच्चे की जान बचा ली। आप इंसान नहीं भगवान हैं, आपका यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ए मिस्टर, मैं तुम्हें एक बच्चे की माँ जैसी दिख रही हूँ? नहीं नहीं मैं, और मैं जिंदगी में ए टू जेड तक सब भोग चुकी हूँ। नहीं मैं मतलब बहुत हीरो बन रहे थे। वाह 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 वाह, क्या डायलॉग मारा है। धरती को पहाड़ बोझ नहीं लगता और पेड़ को फल बोझ नहीं लगते। नहीं नहीं मैं कुछ मिसाल लगी। मैं एक कुंवारी लड़की हूँ और तुमने मुझे एक बच्चे की माँ बना दिया। आपकी अभी तक शादी नहीं हुई? जी नहीं। इसका मतलब अभी तक आप बच्चे की माँ नहीं बनी? नहीं। अच्छा अच्छा। ए मिस्टर यू, जख्म पर नमक रगड़ना मेरी पुरानी आदत है, नहीं समझे? अरे भाई जिस तरह हर आदमी का अपना एक स्टाइल होता है वैसे ही मेरा एक स्कूल है। मेरे ही स्कूल से पास होकर नटवर लाल और आज दुनिया में नाम कमा रहे हैं। तुम्हें भी अगर मेरे स्कूल में भर्ती होना है तो मेरे ऑफिस में आओ। और सुनो आइंदा इस घर पे दोबारा कभी फोन मत करना। बस बंद कर, पहले किसी लायक तो बन, फिर खलायक बनना। आप मुझे खलनायक नहीं नालायक समझते हैं। नालायक वो तो तू है ही। असल में तो ये बात है, मैं अपने बड़े भाई के लिए कुर्बानी दे रहा हूँ। अच्छा? अगर मैंने खलनायक इंस्टीट्यूट खोल दी ना तो तुम्हारा वो टुच्चा टपोरी स्कूल बंद हो जाएगा और तुमको पान बेड़े का दुकान खोलना पड़ेगा, नहीं तो जू में जाके चने बेचने पड़ेंगे। आप मुझे ऐसा वैसा मत समझिए, मैं बहुत तेज हूँ। मेरी तेजी सिर्फ हॉलीवुड वालों के समझ में आ गई और उन्होंने स्पीड पिक्चर बनाई। अरे जानता हूँ, जानता हूँ तू कितना तेज है, मुझसे बेहतर तुम्हें और कोई नहीं जानता। यहाँ तक तुमने एक दफा रेस में हिस्सा लिया था, अकेला था तू, फिर भी तू तीसरे नंबर पर आया था, तीसरे नंबर पर। देखो आप मेरी बेइज्जती मत करना, मेरे इमेज को धक्का लग जाएगा। ए कहाँ जा रहे हो? बेबी जी को कपड़े देने। मुझे दो, अपनी लाडली बेटी को मैं खुद अपने हाथों से दूंगा। तुम जाओ बिटिया। हाँ पापा। अरे बिटिया रानी, और वो ये क्या, तुमने कितने ओल्ड फैशन का ड्रेस पहन रखा है। ये देख मैंने तेरे लिए इम्पोर्टेड लेटेस्ट डिजाइन का ड्रेस मंगवाया है, जाओ इसे पहन ले। शाबाश। नहीं पापा मुझे यही पसंद है। हा? तुझे यही पसंद है? तो ठीक है बिटिया, तो मुझे भी यही पसंद है। अरे ये क्या, ये क्या, ये क्या, तूने हाथों में मेहंदी लगा रखी है? छी छी छी, अच्छा नहीं लगता, धुलवा डाली से। हाँ नहीं पापा मुझे ये बहुत पसंद है। तुझे ये बहुत पसंद है? तो ठीक है मुझे भी ये बहुत पसंद है। अरे तेरा स्कूल ही तो मेरा स्कूल है बिटिया। बेबी जी, बेबी जी। अरे बाप रे बेबी जी, अबे क्यों चिल्ला चिल्ला के हमारे कान के पर्दे फाड़ता रहता है? बेबी जी आपके कॉलेज जाने के लिए गाड़ी तैयार है। अबे उल्लू के पट्टे, बचपन में तूने क्या लाउड स्पीकर लेकर लिया था जो हमेशा चिल्लाता ही रहता है? अरे कितनी बार तुझसे कहा है ये गांव नहीं शहर है, शहर यहाँ धीरे से बोला कर, धीरे से, लेकिन तू है क्या अपना स्कूल ही नहीं बदलता। ठीक है जी,
फिर वही। अरे तेरी ये चलाहट एक दिन मेरे दिल की धड़कन बंद कर देगी। देख बेटा, क्या है? पासा, पासा। क्या है? जो कुछ भी तुझे कहना हो मेरे कान में धीरे से, जो मुझे सुनाई थे इतनी जोर से, मैं तेरी 500 रुपया पकार बढ़ा दूंगा। बस इतनी जोर से कहा कर, मेरा काम बन जाया करेगा। ऐसा ही करूंगा। शाबाश बेटा, जैसे मैंने कहा है, मुझे स्कूल बदलने वाला इंसान बहुत पसंद है। अब तू जा, अब तू जा। ऐसा ही करूंगा। पापा। हाँ बिटिया। मेरे कॉलेज का वक्त हो गया। चल चल। मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ, मैं बिल्कुल पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ, मैं बिल्कुल पागल नहीं हूँ, मैं पागल। पता नहीं मेरे बेटे के साथ जो भी काम करता है पागल क्यों हो जाता है। लगता है मेरा बेटा पागलों का स्कूल चलाता है। अरे मुझे मत मारो। पागल हो गया। जिस नौकर को अपने मालिक के साथ अच्छा बर्ताव करना नहीं आता उसका यही हाल हो जाता, पागल हो जाता, पागल हो गया। तुम कौन हो? सर, आई एम दासु, आपके बेटे का नया सेक्रेटरी, कम दोस्त, कम नौकर, कम बावर्ची, कम माली, मतलब ऑल इन ऑल वन। तो अब तुम्हारी बारी है। मेरा मतलब है कि देखता हूँ तुम कितने दिन टिके रहते हो। कितने दिन? एनीवे, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू। चल दासु, मीट योर न्यू बासु। थैंक यू सर। लगता है मेरा बॉस डांस की प्रैक्टिस कर रहा है, तो जैसा बॉस वैसा दास। अरे बाप रे, इसका तो इंट्रोडक्शन ही कमाल है। ये तो कोई बहुत खास चीज लगती है। जिस म्यूजिक पर पत्थर भी डांस करने लगते हैं उस म्यूजिक पर ये पूजा कर रहा है। अबे उल्लू के पट्टे दास, तुझे इन सबसे। वन इन ऑल, खासम खास आपका दास। वन इन ऑल, तो दास तुम हो। तो काम पे लग गए। लग गया, लग गया। नाइस, वेरी नॉटी, वेरी नॉटी। यस नॉटी, कंट्रोल दास, कंट्रोल। आई लव यू, I love you, Chitra. I love you, Chitra. I love you. ऐसा है तेरा प्यार चीखने चिल्लाने वाला, सत्यानाश हो तेरे प्यार का। दासू। Yes, बॉसू। एक काम करो। आप फरमाइए सर। आज का अखबार लेकर आओ। आज का अखबार? Yes, sir. Indian Express. Indian Express. लाए सर। इंडियन एक्सप्रेस लाने को कहा है, लगता है मुझसे कुछ पढ़वाएगा। अरे वाह, ये रहा इंडियन एक्सप्रेस। ले आए सर, इंडियन एक्सप्रेस। बैठो। बैठूं? ओ यस सर। पढूं? नहीं, फाड़ो। फाड़ू? तुमने ठीक सुना, अखबार को फाड़ो। यस सर, फाड़ो। बड़ा और छोटा, और छोटा, और छोटा, और छोटा, और फाड़ो। दुनिया में इससे ज्यादा और कोई नहीं फाड़ सकता सर। वेरी गुड। अब इसको जोड़ो। क्या? शाम को आके मैं यही अखबार पढ़ूंगा। इसको जोड़ो, शाम को आकर ये अखबार पढ़ेगा। कंट्रोल दासू, कंट्रोल। तू देखिए मैडम, ये कराटे स्कूल का विज्ञापन है, आपने कराटे स्टाइल में इसको मारना है। फाइनली मैं कैमरा पैन करके स्कूल के बोर्ड पर ले जाऊंगा।
ओके ओके, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। हाउ यू फील? अरे मजा आ गया सर। ओके ओके, रेडी क्लैपिंग 15 बार 2 टेक 1। मेरा नाम है रे बिल्ला। ओ मेरी माँ, कल तो मुझे शादी के लिए लड़की देखने जाना है। पूरे शरीर पर तो पट्टी बंधी है, अब वो लड़की मुझे कैसे देखेगी? मेरी शादी कैसे होगी भगवान? वो सचमुच मेरा रेप करने की कोशिश कर रहा था, ऐसा कैसे समझ लिया तुमने? और अगर वो ऐसी हरकत कर भी रहा था तो तुम्हें इससे क्या? अगर वो तुम्हारी इज्जत का सिग्नल तोड़ देता ना, तुम्हारी जिंदगी बस स्टॉप बनकर खड़ी हो जाती। यही सोचकर मैंने उसे माना। बोलो, मैंने कोई बुरा किया? तुम अपने आप को बहुत बड़ा हीरो समझते हो क्या? अरे मैडम, तुमने हमारी हीरोगिरी देखी कहाँ है? मैं कोई डुप्लीकेट वाला हीरो नहीं हूँ, सर्टिफिकेट वाला हीरो हूँ। 2 सेकंड के अंदर फुल टू फटाक करके मीटर गिराता हूँ और गाड़ी आगे बढ़ाता हूँ। तुम्हारी इसी हीरोगिरी के कारण मेरी शूटिंग का सत्यानाश हो गया और वो बेचारा आर्टिस्ट वहाँ घायल पड़ा है। अरे भाई, उसी गलती के लिए माफी मांगने आया हूँ। चलो, बहुत बड़ा एहसान करने आया उस पर। चलो जरा अपना पैर तो उठाइए। डॉक्टर, मैं 1 सेंटीमीटर भी नहीं हिल सकता। ऐसे कैसे चलेगा? कोशिश तो कीजिए। नहीं, मुझसे नहीं हो सकता। अरे बाप रे, ये तो भाई है, ये तो यही आ रहा है। अरे ये फिर मारेगा। अरे आपको हंसी आ रही है? उस बेचारे के हाथ पैर तोड़कर आप हंस रहे हैं? आपको पता है, ये बेचारा अपनी शादी के लिए कल लड़की देखने जाने वाला था। अब होने वाली दुल्हन को देखना तो दूर, खुद अपनी शक्ल भी दिखा नहीं सकेगा। दुल्हन? अरे मैं तो भूल ही गया। क्या आपको भी दुल्हन देखने जाना था? नहीं नहीं, दुल्हन नहीं, पंडित के पास जाना है अपनी बहन के रिश्ते के लिए। अच्छा जी, नमस्कार। अरे